फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम का टाइप टू बताऊंगा। टाइप टू में मैं आपको बताऊंगा संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, कि संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। टाइप टू, टाइप टू में फार्मूला n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले से ही मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, पहला क्वेश्चन है 1² + 2² + 3² + 4² ... 80² तक फार्मूला ये यूज करना है मुझे। और सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 80 है, ये n है 80² ये n है। इस फार्मूले में n की जगह पर मुझे 80 रखना है। तो यहाँ पर मैं इस फार्मूले के अनुसार यानी n की जगह पर 80 रखूँगा। तो n यानी कि 80 सॉल्यूशन, n यानी कि 80 ब्रैकेट 80+1 ब्रैकेट 2n मीन्स 80 × 2 यानी 160। चलिए मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ इसमें 2n यानी कि 80 × 2 +1 अपॉन 6। नेक्स्ट 80 × 80+1 81 × 80 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे 80 और 2 की, तो ये हो जाएगा 160 और 161 बटे में 6। अब 6 से हम इन्हें डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 2 = 6 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 × 2 = 6 बचे 2 = 21 3 × 7 = 21 फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 × 1 = 2 2 × 2 = 8 और ये 0, तो ये भी डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पर आया है इस तरह से निकल के 40 × 27 × 161 तो इक्वल टू, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 17 log 3880 unlock 73880। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है 1² 2² 3² 4² 60² तक का योग ज्ञात करना है। तो फिर वही फार्मूला मुझे यूज करना है। यहाँ पर मेरा जो n है वो 60 है, तो 60 + 1 और 60 × 2 + 1 अपॉन 6। नेक्स्ट है 60 × 61 × 62 जा 6 × 2 = 12 यानी 120 और 1 = 121। फिर इससे इसको डिवाइड कर देंगे 6 × 1 = 6 6 × 10 = 60 6 × 6 = 6.60। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 10 × 61 × 121। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 10 और 60 की पहले इसकी 1 to 1 और 60 यानी 61 और 121 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 गुणे 17 तिहत्तर 81, तो ये आ जाएगा 73 81। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की है और 10 को ऐसे ही लिख लिया है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 73 81 0। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस .. 70 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में पहले की शुरुआत की संख्याएं छोड़ दी गई हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर 19 तक की संख्याएं छोड़ दी गई हैं, उसके आगे की संख्याओं की वर्गों का योग पूछा गया है। तो हम इस फार्मूले से डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला तभी लगेगा जब मुझे संख्याएं शुरुआत से यानी 1 से दी जाएंगी लगातार। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करूँगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस .. 70 का स्क्वायर। इस तरह से मैं 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करूंगा, तब जाके मैं इस फार्मूले को यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो एन जो है मेरा 70 यानी 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एन, यहाँ पर 70 है, तो 70 × 70 + 1 यानी n+1, 2n+1 यानी कि 140, यहाँ पर 70 × 2 + 1 और बटे में 6, तो ये आ जाएगा 70 × 71 × 70 और 2 की गुणा करेंगे 140 और 1 141 और बटे में 6। तो 6 से यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 3 6 और ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 5 10। अब यहाँ पर 3 बचा है तो 3 3 2 6 नहीं डिवाइड होगा, 3 चक्कू 12 ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 चक्कू 12 बचे 2 21 3 7 21, तो यहाँ आ गया 47। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 35 × 71 × 47, ये यहाँ पर ये सब कट गया यानी डिवाइड हो गया, 35 × 71 × 47। तो यहाँ पर हम अब इसकी गुणा कर लेंगे, 35 71 और 47 की गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11 67 95। अब भी इसकी गुणा कर सकते हैं अलग। तो यहाँ तक मैंने 1 से लेकर 70 तक की वर्गों का योग निकाल लिया है, क्योंकि मुझसे 20 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है। इसलिए अब हम इससे पहले की जो संख्याएं हैं जो बची हुई हैं उनका योग ज्ञात करेंगे, यानी अब हम 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस .. 19 का वर्ग यानी 20 से पहले की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। अब फिर ये फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि ये क्रम से दी गई हैं, यानी इनकी जो शुरुआत है वो 1 से ही हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो एन है वो 19 होगा, तो यहाँ पर एन यानी 19, 19 + 1 और 19
गुणे दो प्लस एक, इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 19 गुणे 20 गुणे 19 दूनी 38 और एक 39 बटे 6। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3, 3 तिया 9, तो ये 13 आ जाएगा। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 इक्कन 2, 2 दसावन 20, तो ये आ जाएगा 19 गुणे 10 गुणे 13। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 19 10 13 की, तो ये आ जाएगा 24 70। अब यहाँ पर मैंने अलग अलग दोनों को सॉल्व कर लिया है, एक तो ये आया है 1 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग, और यहाँ पर मैंने 1 से 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाला है जो कि ये है। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग प्लस डाट 70 का वर्ग ये निकलेगा, यानी हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तब जाके जो योग आएगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा। तो यहाँ पर 11 67 95 में से हम माइनस कर देंगे 24 70 को, ये इक्वल टू, तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 11 67 95 11 67 95 24 70, ये इस तरह से माइनस कर लेंगे, यानी 5 और 9 में से 7 2 और 7 में से 4 3, 6 में से 2 4, 11 43 25, ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का योग है, ये मेरा फाइनली आंसर निकला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 12 का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 14 का स्क्वायर प्लस .. 30 का स्क्वायर, यानी 12 का वर्ग 13 का वर्ग 14 का वर्ग और 30 का वर्ग का योग ज्ञात करना है। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, तो मुझे फार्मूला तो यही यूज करना है, लेकिन इसको दो बार में मैं सॉल्व करूँगा। यानी सबसे पहले मुझे 1 से लेकर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस .. 30 का स्क्वायर का योग मुझे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो n है वो 30 दिया गया है, तो n प्लस 1 यानी 30 प्लस 30 प्लस 1 इंटू 30 इंटू 2 यानी 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6, फिर 30 इंटू 31 इंटू 30 दूनी 60 और 1 61 बटे 6, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 कन 6 6 पंचे 30, और ये आ जाएगा यहाँ पर 5 गुणे 31 गुणे 61। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 94, यानी इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है चलिए ये भी बता देते हैं। तो सबसे पहले हम चाहें 5 और 31 की मल्टीप्लाई कर लें या फिर 61 की, चलो मैं पहले 5 और 31 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 5 इक्कन 5
पांतियाँ 15, गुणे 61। अब हम 155 और 61 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 155 गुणे 61। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो एक से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी 155 155 111। फिर यहाँ पे क्रॉस 6, 6 5 30 और 6 5 30 3 33 और 6 5 6 और 3 9, तो ये आ जाएगा 5 5 4 9 94 55। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 94 55। ये तो एक से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आया है, जबकि मुझे चाहिए 12 से लेकर 30 तक। और अब मैं जो यहाँ पर 12 से पहले की संख्याएं हैं उनका मैं योग ज्ञात करूँगा, यानी 1 से लेकर 11 तक। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो अब मैं इसका योग ज्ञात करूँगा, तो यहाँ जो n है वो 11 है, ये n हो जाएगा। तो यहाँ पर तो n की जगह पर 11 रखना है, तो 11 प्लस 1 इंटू 11 गुणे 2 प्लस 1 और बटे में 6 बराबर यहाँ आ जाएगा 11 गुणे 11 और 1 12 गुणे 11 दूनी 22 और 1 23 बटे 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 कन 6 6 दूनी 12, तो बचेगा 11 गुणे 2 गुणे 23। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 दूनी 22 गुणे 23, तो ये आ जाएगा 22 और 23 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 506। ये अब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा, जब यानी कि इससे पहले की जो संख्याएं हैं वो टोटल में से हम माइनस कर देंगे, यानी इस डिजिट में से इस डिजिट को माइनस करेंगे, तब जाके मेरा आंसर जो आएगा वो इसका होगा। तो यहाँ पर मैं 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये निकलेगा अब यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि 94 55 माइनस 506। ये जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 94 55 94 55 में से माइनस करेंगे 506 को, तो 15 में से 6 गया 9, 4 बचे, यहाँ 14 में से 5 गया 9, यहाँ 8 बचे, यानी ये आ जाएगा 89 49, यानी 89 49। ये आंसर आ जाएगा फाइनली यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।